हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये रही तीन गाय, एक गाय जो नंदिनी आई थी वो शामिल हो गई है नई गाय। और इन लोगों ने मैं सबसे पहले यहाँ पे खाना वगैरह दे दी हूँ और बस मिल्किंग करके नाद के पास सबको बांधते जाऊँगी। और आप ही लोग के कहने पे मैं तीनों गाय का एक साथ वीडियो डाली हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं, मिल्किंग वीडियो को, तो आपको मैं उसके लिए फिर से धन्यवाद बोलती हूँ। और जैसे सब वीडियो आपको पसंद आते हैं वैसे ये भी वीडियो आपको आज पसंद आएंगे। तो जो मिल्किंग जब मैं करूँगी तो उसको मैं साउंड के साथ लगा दूँगी। और क्योंकि आज वीडियो तीनों गाय का है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बीच बीच में मैंने कट कर दिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल वीडियो इसका डाल दूँगी। और आप में से एक आदमी ने ऐसे कमेंट किए हैं जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वो बात गौर से सुनिएगा, उसके बाद ही आप लोग कुछ बोलिएगा। एक गाय का मिल्किंग हो गया है और अब बारी है दूसरी गाय की। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ ताकि बैठने में कपड़े वगैरह गंदे ना हो, और उसके बाद फिर मैं इसका मिल्किंग करूँगी। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तीनों गाय का है। और मैं कुछ बातें भी आपसे बताना चाहूँगी कि जो मैं कल वो नंदिनी का वीडियो डाली थी तो उसमें एक आदमी ने आके कमेंट किए कि मैं उनके कमेंट का बुरा नहीं मान रही हूँ, उन्हें पूरी बात सच्चाई पता नहीं है। तो मैं उनको ये मैसेज दे देती हूँ कि उन्होंने लिखा था कि आपने बच्चे को तो दूध पिलाया है नहीं और सारा दूध आपने निकाल लिया, जो आपके बच्चे के साथ वैसा किया जाए तो कैसा लगेगा। तो गाइज आप समझ जाइए, मैंने गाय पाला है दूध बेचने के लिए और बच्चे को हम लोग ज़रूर दूध पिलाते हैं, जितना उसे पीना है हम लोग उसके लिए दूध लास्ट में छोड़ देते हैं। और अगर बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा तो उसे लैट्रिन ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे भी उसका खतरा हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से गाय रख रही हूँ तो कुछ बच्चे ज़बरदस्ती मतलब ज़्यादा पी लेते हैं तो उनके पेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो जब तक आप पूरी जानकारी नहीं जानते आप लोग ऐसे ही कुछ आके कमेंट कर देते हैं, कम से कम पूछ तो लिया कीजिए। आपके कुछ कमेंट ऐसे हैं जो कभी कभी बहुत बुरे लग जाते हैं हमें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ आपके बुरे कमेंट के लिए नहीं। आपने कमेंट किया अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था उस तरीके से आपने नहीं पूछा, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि कम से कम आप नए हो और मैं भी नई यूट्यूबर हूँ तो कम से कम आप पूछ तो लीजिए। अगर मैं उस सवाल का जवाब नहीं देती तो शायद मैं गलत रहती। तो क्योंकि गाय जब है तो उसका बच्चा भी है और हम लोग गाय बिजनेस करने के लिए रखते हैं। अगर बच्चा ही सारा दूध पी जाएगा तो या तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आप खुद अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद एक बार ऐसा करके देखिएगा, अगर मेरी बात में सच्चाई होगी या झूठ होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं इतना बड़ा बात नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। तो अगर मेरा बच्चा बड़ा होता है, किसी का भी बच्चा बड़ा होता है, तो उसका दूध कम कर दिया जाता है और उसका अनाज दिया जाता है। सेम उसी तरह गाय का भी है कि गाय का बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको दूध थोड़ा कम करते हैं और भूसा वगैरह दाना वगैरह थोड़ा ज़्यादा देते हैं कि वो खाना सीख जाए। तो ये इसकी भी मिल्किंग हो गई और इसमें मैंने साउंड नहीं दिया क्योंकि ये मेरी वीडियो दूर से शूट किया हुआ था तो उसका साउंड कुछ अच्छा नहीं आया था, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ, अकेले शूट करती हूँ तो टाइम तो लग ही जाता है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, बिल्कुल ये फ्री है। और ये दोनों मिलाकर इतना दूध की है, तो उन दोनों की मिल्किंग हो गई है और बस अब नंदिनी की मिल्किंग बाकी है। तो मैं इसका भी मिल्किंग कर लेती हूँ फटाक से। और ये अभी ज़्यादा दूध नहीं करती, 4 केजी सुबह में करती है और 3 केजी शाम में करती है। जो करती है मैं वो हकीकत आपको बता देती हूँ, झूठ बोलने वाली ऐसी क्या बात है। तो बस इसका पैर बांधूँगी और देखिए ये सीधा खड़ी नहीं है, अब ये सीधा हुई इसीलिए ये घूम गई।
और यहाँ पे बच्चे ने दूध पी ली है। और फिर हम लोग इसके लिए लास्ट में छोड़ देते हैं। अगर 5 मिनट भी मैं इसको छोड़ दूँ ना इसमें, तो ये सारा दूध खींच लेगा और इसका पेट ख़राब हो जाएगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये सब बिल्कुल फ्री है और ये मैं नज़दीक से शूट की हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे मेहनत किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ढेर सारा करें। अगर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और डेली देखते हैं तो लाइक और बेल आइकन ज़रूर से दबाएँ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय।